Students, again you are most welcome to the Social Life channel, and this is the part 2 of chapter number 1, the landforms of the earth. So dear students, listen carefully this part also and try to understand the whole chapter. So remaining part from the plains we will discuss. See, plains are the flat land with the gentle soil. Rivers flow from the mountains bring fertile soil to the plains. It means that plains, what is plains? What is plain? Plain is a flat land. The jo yahan par bhi aap dekhte hain ki surface bahut hi flat hai, jahan uncha neecha nahi hai, thoda sa sulfy hota hai, gently dheere dheere sulfy hota hai, theek hai. Aur bahut sara rivers aur nadiya jo hai wo mountain se hokar ye फर्टाइल सॉयल ऑफ प्लेन की द्वारा जाते हैं. ओके, सो क्रॉप्स ग्रो वेल हियर बिकॉज ऑफ दिस फर्टाइल सॉयल. प्लेन्स आर देयरफॉर मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड. अगर आप देखेंगे कि प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल सॉयल रहता है, तो कोई भी क्रॉप्स ग्रो हो सकता है ईजिली. द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया एंड द पेरिस ऑफ USA प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट वीट एंड द अदर ग्रेन्स. मतलब अपने इंडिया में नॉर्थन प्लेन ऑफ जो है, ठीक है, और पेरिस जो US में है, इसमें क्या है, बहुत वीट मतलब गेहूँ एंड अदर ग्रेन्स ऑल्सो ग्रो इन दिस प्लेन्स. ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस दैट इज डेजर्ट्स. डेजर्ट्स आर द लार्ज एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज ऑफ लैंड. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट बहुत ही बड़े होते हैं और एक्सट्रीमली ड्राई मतलब पूरा सूखा होता है, ठीक है. देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट. बहुत क्या होता है, जल बारिश बिल्कुल ही नहीं होता है और थोड़ा बहुत होते हैं और फ्यू प्लांट्स ग्रो, बहुत ही कम पेड़ वहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है. सो डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है इन समर. एंड द डेज आर वेरी हॉट, दिन की टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है एंड नाइट की टाइम पे बहुत ही कूल होता है. ओके, इन विंटर द डेज आर कूल एंड द नाइट आर वेरी कूल. विंटर की टाइम पे अगर हम देखते हैं कि डेज आर कूल तो कूल रहता है, इतने ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, तो नाइट्स आर वेरी कूल, टू मच एक्सट्रीमली कूल इन द डेजर्ट. ओके, द इम्पोर्टेंट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इफ यू सेड दैट इज सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे बड़े डेजर्ट है जो सहारा डेजर्ट है. देन कलाहारी डेजर्ट इन द साउथर्न अफ्रीका. द अटाकामा डेजर्ट्स इन साउथ अमेरिका एंड द थार डेजर्ट इन इंडिया. ओके, सो दीज आर द डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट विल डिस्कस दैट इज कोस्ट, पेनिनसुला, बेज एंड आइलैंड. ए प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी इज कॉल्ड ए कोस्ट. ओके, मतलब क्या है कि समुद्र से मिलने वाला जो एरिया होता है, समुद्र और जो कोई लैंडफॉर्म्स होता है, किसी भी कंट्री के जो लैंडफॉर्म्स होता है, जस्ट जहाँ से समुद्र से मिलते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं. सम कोस्ट आर सैंडी एंड स्ट्रेट. कुछ क्या होता है, सैंडी होता है और स्ट्रेट होता है, बट अदर आर कुछ पत्थर से भी रहता है ये कोस्ट एरिया में. ओके, सो लैंड मसेस व्हिच प्रोजेक्ट्स इनटू द सी. ओके, लैंड मसेस व्हिच प्रोजेक्ट्स इनटू द सी एंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स आर कॉल्ड पेनिनसुला. मतलब क्या है कि किसी भी लैंडफॉर्म्स, अगर वो लैंडफॉर्म्स को तीन साइड से पानी में घिर के रखते हैं, तो इस तरह जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला. जैसे इंडिया भी एक पेनिनसुला है, ठीक है, क्योंकि अपने कंट्री की तीन साइड से पानी में घेरा हुआ है, ठीक है. साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज पेनिनसुला ऑल्सो, पेनिनसुला बिकॉज साउथर्न पार्ट ऑलमोस्ट कवर्ड बाई द वाटर. इवन द साउथर्न मोस्ट टिप of the Indian peninsula is called Cape Comorin. Okay, the Arabian peninsula is the largest in the world. जो सबसे बड़े है Arabian peninsula world में. A bay is a water body running into the land and surrounded on three sides by land. Bay क्या होता है,
कि वाटर बॉडीज रनिंग इन टू द लैंड एंड सराउंडेड बाय थ्री साइड, एक थ्री साइड कवर करके रखते हैं बाय लैंड, किसी भी वाटर को तीन तीन साइड से पानी से घर के रखता है। इस तरह का जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है। जैसे बे ऑफ बंगाल अलोंग विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में अगर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल एक बेस बे है, ठीक है। आइलैंड क्या होता है, एन आइलैंड इज ए लैंड मास सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ वाटर, मतलब चारों ओर से पानी में घिरा हुआ जो लैंड सरफेस होता है उनको क्या बोल उस इस तरह लैंड फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, आइलैंड बोला जाता है। जैसे श्रीलंका इज एन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल आर ए ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, बहुत सारा आइलैंड है जो पानी में घिरा हुआ है। विच आर दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़े आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस दैट इज रिवर्स, लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड रिवर्स, मतलब क्या रिवर्स क्या है कि लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ जो पानी बहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बह के जाते हैं बहुत दूर से एक प्लेस से अलग प्लेस तक जाते हैं, इसको रिवर्स बोलते हैं और नदियाँ बोला जाता है। मेनी रिवर्स स्टार्ट इन द माउंटेन्स फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो इन ग्लिसर्स, मतलब जो माउंटेन से ग्लिसर्स की होके मेल्ट होके जो स्नो मेल्ट होके नीचे की तरफ बहती है, ठीक है। सो दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर बिकॉज द वाटर्स आर कमिंग फ्रॉम द आइस मेल्टिंग, ओके। सो दे आर कॉल्ड फेरिनियल रिवर्स एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स नॉर्थ अमेरिका आर फिनरियल रिवर्स, ओके। साउथ इंडिया रिवर्स आर ऑफ फॉन्ड बाई रेन वाटर, मतलब ये साउथ इंडिया की जो रिवर्स है वो मोस्टली किससे, ये रेन से पुष्ट होता है, ठीक है। रेन से वो रिवर में पानी आते हैं। सो दे डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में पूरे पानी नहीं रहता है। सच रिवर्स आर कॉल्ड सीजनल रिवर, इसी तरह की रिवर को क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर बोला जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली फ्लो इन टू द सी, सभी रिवर जाके कहाँ पे मिलते हैं, समुद्र में जाके गिरते हैं, ठीक है। Along the coast core of the river, so several smaller rivers join the main river. क्या होता है, बहुत अलग अलग छोटे छोटे जो नदी होते हैं वो जाके मेन नदी से मिलते हैं। सो दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटर्स, इस तरह का जो शाखा नदी बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटर्स बोला जाता है इन द मेन रिवर। सो बिफोर एंटरिंग द सी द रिवर बिकम द वेरी स्लो, समुद्र से मिलने से पहले क्या होता है कि रिवर बहुत ही ज़्यादा धीरे बहता है, ओके। इट कैरीज ए लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, बहुत सारा चीज़ें लेके आते हैं बह के पानी के साथ। सो दिस कीप्स गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द वे, और ये सब क्या होता है वहाँ पे जाके एक डिपॉजिट होने लगता है। सो कॉज द रिवर ऑफ बैंक अप इन टू द चैनल विच और डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है, दिज स्प्रेड आउट लाइक द ट्रेंगल बिफोर द फॉलिंग इन टू द सी, तो ट्राइंगल की तरह इस तरह रूप लेते हैं। सच ए रीजन इज कॉल्ड डेल्टा, इस तरह का जो प्लेस होता है उनको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा मेड बाई द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बहुत ही बड़ा ये डेल्टा है जो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर की बहते हुए आके वो ये डेल्टा हुई है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है ये, ठीक है, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। नील इन इजिप्ट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो सबसे बड़ी नदी है नील एंड इन इजिप्ट, इजिप्ट कंट्री में नील जो नदी है वो सबसे बड़े है। सम अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स आर मिसिसिपी इन यूएसए, द कोंगो इन द अफ्रीका एंड द गंगा इन इंडिया। इन हिस्ट्री वी फाइंड दैट ग्रेट सिविलाइजेशंस हैव ऑलवेज डेवलप एलोंग रिवर, जो पुराने सिविलाइजेशन की जो बारे में बातें करते हैं कि हम हिस्ट्री में जब देखते हैं कि मेनी डिफरेंट सिविलाइजेशन डेवलप इन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे में वो सभी सिविलाइजेशंस की चीज मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन एज एग्जाम्पल, प्रोवाइड वाटर फॉर बिकॉज द रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पज ऑल्सो, रिवर हेल्प्स अस, सो दैट इज वाई द एक्सेप्शन। सो
So this was the chapter. I would like to ask you to write down the question answer of this chapter. Thank you for watching.